कॉन्सिक्वेंसेस में जीता है और एक प्रेजेंट में जीता है. एक सोचता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो उससे क्या क्या हो जाएगा, मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और सोचता है कि मैंने ये नहीं किया था लास्ट टाइम भी मैं डिसअपॉइंट हो गया था, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया था, तो वो आगे भी वही सोच सोच के जीता रहता है और नेगेटिव ही चलता है. उससे कभी भी कोई पॉजिटिव की उम्मीद ही नहीं होती. और जो दूसरा होता है सर, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, उसको लगता है कि इवन इफ नहीं भी हुआ तो लेट इट बी, हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे. वो कभी भी गिव अप नहीं करता है और वो आगे वाले कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं सोचता, वो प्रेजेंट में जीता है. एक्सीलेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर. अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेजेंट में कैसे जीते हैं? प्रेजेंट में जीने का मतलब और ना जीने का मतलब पहले क्लियर करते हैं. जो बंदा प्रेजेंट में नहीं जी रहा है वो क्या कर रहा है कि मैंने इतनी बार ट्राई किया, नहीं हुआ, अब भी होने वाला तो है नहीं, पिछली बार भी मैं गया था वहां पे जाके नर्वस आ गया था, नर्वस को नर्वस आ अच्छा लगता है बोल, हाँ इस बार भी अगर ऐसा हो गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा. तो वो पास्ट में जी रहा है या तो, या फिर फ्यूचर में. अगर नहीं हुआ हो तो पता नहीं घर जाके कितने जूते पड़ेंगे, घर वालों ने पूरा टीका भी करके भेजा इस बार तो. कई बार ऐसा भी होता है वो टीके की वजह से जॉब नहीं मिलती है, भाई हमारी बलि चढ़ाने आया है तो क्या करने आया है. द पॉइंट इज कि एक बंदा है जो पास्ट में जी रहा है या फ्यूचर में जी रहा है, अगर वो एक्साइटेड भी हो रहा है सोच करके कि हाँ अब तो मुझे मिलेगी 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 जॉब ये वो, तो उस एक्साइटमेंट में भी हो सकता है वो रायता फैला रहा है अंदर जा करके. होता नहीं कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मतलब वहां पे टेबल पे गए बैठे अपनी फाइल बैग ले देख क्या है तू, तेरी जगह मेरे पास होगी ये कुर्सी दिख रही, बहुत सेशन देखे हैं मैंने उसके, क्या लगा रहा है मुझे तू. ऐसे बंदों को मार पीट के बाहर फेंकते हैं, मतलब प्यार बोलेंगे नहीं, मार फेंक दिया जाएगा ऐसे बंदों को. तो कह रहे हैं मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी प्रॉब्लम है, अंडर कॉन्फिडेंस भी प्रॉब्लम है. अब ऐसा क्यों होता है ध्यान से समझना. अगर आप कोई काम कर रहे हो और अपने अंदर ही अंदर कुछ और बोल रहे हो जो उस काम से रिलेटेड नहीं है, तो आप उस काम को ढंग से कर पाओगे, या अगर वो काम कर रहे हो उसी से रिलेटेड बोल रहे हो तो उस काम को ढंग से कर पाओगे. समझ गए ना, ये बोलना ही सोचना है, पहले इसको समझ लो अच्छे तरीके से. मैंने अपने कई सेशंस में बोला है व्हाट इज थिंकिंग व्हाट इज थॉट, ये लोगों को पता नहीं है लेकिन बात करते हैं. माइंड, व्हाट इज माइंड, ये जो हम अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोल रहे होते हैं ये थिंकिंग है. बिना बोले क्या आप सोच सकते हो? बोलते रहे हो नहीं, कभी प्रैक्टिकली करके देखा है? किसी ऐसी चीज के बारे में सोच के बताओ जिसका कोई वर्ड माइंड में ना पड़ा हो. कैन यू थिंक अबाउट इट? इम्पॉसिबल. तो पहले हम बोलते हैं, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस माइंड में आती है, फिर एक चेन बनती है, इसको थिंकिंग बोलते हैं. तो आप चाहे पॉजिटिव बोल रहे हो अपने आप को, चाहे नेगेटिव बोल रहे हो, आउटकम से रिलेटेड जो होने वाला है उससे रिलेटेड, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, उसका जो अभी काम करना है उससे कोई कनेक्शन नहीं है. आउटकम मतलब क्या, कि जॉब मिलनी है नहीं मिलनी है वो तो कुछ दिनों बाद डिसाइड होगा, बाद में डिसाइड होगा, कहीं और डिसाइड होगा, आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं उसके ऊपर. आपका काम क्या है, अगर आप सिर्फ जॉब इंटरव्यू के बारे में ही उस टाइम बोल रहे हो, ये भी नहीं कि हम बोंदों की तरह बैठे हैं कुछ भी नहीं बोल रहे हैं या कुछ भी नहीं सोच रहे हैं. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द जॉब इंटरव्यू, कि जैसे कोई बंदा अंदर गया उससे जाकर के पूछा कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि एक ही तरह का पैटर्न चल रहा होता है. तो आपने उसको सुना समझा और अपनी प्रिपरेशन करी, अपना प्लान बनाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज दैट प्लान, दैट प्रिपरेशन, दैट थिंकिंग अबाउट द इंटरव्यू इज इंपॉर्टेंट. इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट जो होने वाला है बाद में कभी, उसके बारे में आप सोच रहे हो, या जो भी काम है उसके अलावा किसी भी चीज के बारे में आप बोल रहे हो, किसी भी चीज के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, घर में ये हुआ वो होने वाला है, ये होगा वो होगा, मिल गया तो ये होगा, पार्टी होगी, नहीं मिला तो, ये सब अगर आप बोल रहे हो तो आप उस मोमेंट में नहीं हो. बट अगर आप बोल रहे हो उसी से रिलेटेड जो आप काम कर रहे हो, जैसे अगर खेल रहे हो फील्ड में, तो अगर उस खेल से रिलेटेड आप बोल रहे हो अपने आप को कि बंदा सामने से आ रहा है, मान लो फुटबॉल खेल रहे हो, कि ये आएगा आकर के मुझे टांग मारने वाला है, मैं गिरने वाला हूं, क्यों ना मैं ऐसा करूं यहीं पे रुक जाऊं, इसको लगेगा मैं निकलने वाला, ये करके मैं यहां से निकल जाऊं, ये सब हो रहा है, यही थिंकिंग है. बड़ी तेजी से हो रहा होता है ये काम पूरा का पूरा. तो अगर आप उस गेम से रिलेटेड अपने आप को बोल रहे हो सोच रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट मीन्स यू आर देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट. बट अगर उस टाइम पे देखना ये है कि सामने वाला ओपोनेंट कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है,
मैं कहां से जाऊं, कैसे जाऊं, ये सोचने की बजाय अगर आप सोच रहे हो, आपकी नजर पड़ी वहां पे ट्रॉफी पे और उसके बारे में सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि वो ट्रॉफी मेरे हाथ में होगी और फिर पूरी कंट्री सेलिब्रेट करेगी, ये होगा वो होगा, आई विल क्रिएट हिस्ट्री, देन आप फ्यूचर में हो, आप उस मोमेंट में हो ही नहीं, अब आप हार जाओगे। आपकी सक्सेस जो है जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो उसका कनेक्शन है कि आप अपनी 100% कैपेबिलिटी पे परफॉर्म कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसको ध्यान से समझ लेना। कुछ और एक और लेयर निकल करके आई है, मतलब आपकी कैपेबिलिटी ये है, यहां पर है, किसी और की कैपेबिलिटी ये है, आप उससे हार जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या आपने अपना 100% दिया, अगर आपने अपना 100% दिया और आप उस बंदे से हार भी गए तब भी आप जीत गए क्योंकि आपको 100% देना आ गया लाइफ में।